नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और विधानसभा समीकरण के साथ और वहाँ के प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में ताकत की जानकारी के साथ। इस बार बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जहाँ पर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया अपनी अलग पहचान रखता है। इस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं जिसको नवगठित 19 जिलों में से एक बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं अलवर की तिजारा विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी ने नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे बाबा बालक नाथ को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने इमरान खान को। सबसे पहले बात करते हैं तिजारा के जातिगत समीकरण के बारे में। तो आपको बता दें यहां पर बड़ी आबादी यादव समाज और मुसलमान की है। वहीं इसके बाद अनुसूचित जाति मतदाताओं को अच्छी संख्या में गिना जाता है। गुर्जर बनिया और ब्राह्मण भी अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। बात करते हैं बीजेपी से उम्मीदवार हिंदुत्व के हार्डकोर समर्थक बाबा बालकनाथ की। अभी अलवर से सांसद है, ये हमेशा भगवा कपड़ों में ही नजर आए हैं। ये पहली बार 2019 में सांसद बनाए गए थे। इन्होंने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये नाथ संप्रदाय के स्थल मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब भी। अब बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान की, तो ये पहले बसपा में थे और पूर्व प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। इमरान खान पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। इमरान खान सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं और लंबे समय से समाज सेवा के लिए भी काम करते आ रहे हैं। कुछ समय पहले इनको BSP ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आज बात की हॉट सीट तिजारा विधानसभा सीट के बारे में। अगली बार फिर मिलते हैं और जानते हैं किसी और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के बारे में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।